हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज 23 तारीख हो गई है और अब हमारा नाश्ता पानी हो गया है, किचन के काम सारे निपट गए हैं। और अभी मैं तुलने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरा वेट बढ़ गया है। आज मशीन ठीक कर दी है ये तुलने वाली मम्मी ने। मैं 2-3 दिन पहले भी तुल रही थी लेकिन इसमें वेट ही नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे कैसे वापिस रख दी। लेकिन आज मम्मी जब तुलने लगी ना, तो मम्मी ने दोबारा से सेल निकाल के वापिस डालना है, तब ये ठीक हो गई, वेट दिखाने लग गई। तो मैंने सोचा मैं भी तुल लेती हूँ आज, क्योंकि अभी शादी के बाद मेरा वेट मेरे को लग रहा है बढ़ गया। पहले कम हो गया था, 3-4 किलो कम हो गया था जब ये शादी हुई ना गाँव में, तो उसमें मेरा 3-4 किलो वेट कम हो गया था। लेकिन अभी जब से शादी हुई है ना, तो कोई डाइटिंग कर रही और मिठाई भी इतनी खा रही हूँ बहुत सारी, तो मेरे को लग रहा है 1-2 किलो वेट बढ़ ही गया। तो आज देखती हूँ तुल के, तुले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुली नहीं हूँ बहुत दिनों से। और मेरे को है ना अभी वेट कम करना, क्योंकि आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले, करवा चौथ हो, अष्टमी, दिवाली, नवरात्रे, तो मैं सोच रही हूँ उनसे पहले थोड़ी सी पतली हो जाऊँ। चाहे 2-3 किलो ही वेट कम हो जाए तो फिर थोड़ा सा फर्क दिखेगा ना, 2-3 किलो से ही फर्क दिख जाएगा। तो अभी मैं आपको तुल के दिखाती हूँ मेरे अंदर कितना वेट है इस टाइम। चलो तुलते हैं अभी। तो ये देखो 65.6, मतलब 65 किलो है, इतना हो गया, मतलब 1.5 किलो वेट बढ़ा मेरा। 64 किलो पे आ गई थी मैं, अभी 1 महीना हुआ है शादी को, 1.5 महीना हुआ है, तो 1.5 महीने में मेरा 1.5 किलो वेट बढ़ गया है। तो मेरे को फेट करना है, 61-62 तक भी होगा ना तब भी सही हो रहेगा, तो 2-3 किलो ही वेट कम करना है। तो अभी देखती हूँ मैं नवरात्रों तक मेरा कितना वेट कम होता है, डाइटिंग करने लगूंगी। अभी तो नहीं कर रही, अभी मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन और रुक जाऊँ, उसके बाद डाइटिंग में लगूंगी और एक्सरसाइज करने में लगूंगी। तो देखती हूँ 1 महीना, मतलब 1 ही महीना है मेरे पास डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसमें मेरा कितना वेट कम होता है। 2 किलो तो हो ही जाना चाहिए है ना, 1 महीने में इतना मुश्किल भी नहीं है, हल्की सी डाइटिंग और हल्की सी एक्सरसाइज से ही हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। कोशिश तो यही रहेगी कि कर लूँ। और अभी है ना आंटी जी आने वाली है, जो उस दिन आई थी 2-4 दिन पहले, सूट लेके गई थी, मिल के गई थी, तो आज उनको सूट लेना है, तो आज फिर आ रही है वो, बस पहुंचने वाली, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। आंटी जी आ गई हैं। सुदेश आंटी जी, सुदेश ही नाम है ना आपका भी आंटी जी? मुकेश। अच्छा, मैं सुदेश कहूँ, मम्मी का सुदेश है ना आपका मुकेश? हाँ। फ्रेंड हो रही है मुकेश मेरी, फेन के नाम बढ़ने पड़े। अच्छा अच्छा, लगा दिया मुकेश डागर। बहू है। अच्छा अच्छा, आपकी बड़े वाली बहू। अच्छा अच्छा, ये आंटी की बहू है। भाई तो सास बहू भी मैंने वीडियो दे रखी है ना, मगर भाई मेरी बहू है। सही है, बैठो पानी लेके आती हूँ। तो अभी आंटी जी आ गई हैं, उस दिन आई थी ना 2-3 दिन पहले मुकेश आंटी, तो उस दिन तो मेरे को नाम नहीं पूछना याद रहा, आज पूछा है। तो चलो अभी मैं चाय पानी दे देती हूँ आंटी। चाय तो पिएगी नहीं आंटी, उसी दिन मना कर दिया था कि मैं चाय पीती ही नहीं, तो अभी पानी दे देती हूँ, फिर शेक बनाऊंगी। और अभी मशीन लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए। मम्मी गई है ऊपर दुकान में, आंटी को सूट दिखा रही हैं और मैं धोऊंगी अभी कपड़े। वैसे मैंने कल भी नहीं धोए थे क्योंकि कल थर्सडे था और सर्फ भी ख़त्म हो रखा था, कल ही हमारा सर्फ आया है, तो अभी धो लेती हूँ। ये देखो इतने सारे हैं, बस एक ही बार में धो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने सारे आज से ही धो लेती हूँ, मेरा तो एक भी नहीं है, सुमित के और मम्मी के ही है। तो लगा देती हूँ अभी मशीन। भी आ गई है सुमन आंटी और आंटी ने खरीद लिए हैं इतने सारे। और अभी सुमन आंटी जी भी आ गई हैं, मम्मी ने बुलाया सुमन आंटी को, क्योंकि है ना मुकेश आंटी को बहुत सारे गीत आते हैं, तो पिछली बार जब आंटी आई थी ना, तो मम्मी ने और आंटी जी ने बैठ के है ना कई सारे गीत गाए थे, तो मम्मी बोली अब की बार फिर हम गीत गाएंगे, तीनों मिल के गाएंगे अब की बार। तो सुमन आंटी को भी बुला लिया अभी थोड़ी देर में, अभी बैठ के गाने ही लग गई तीनों बैठ के, देखो गीत शुरू कर रखे। Yeah.
चल पड़ी आंटी अब तो। और मुकेश आंटी और उनकी बहू तो चली गई हैं, ढेर सारी बातें कर ली, गा बजा लिया और सूट भी खरीद लिए। और बार बार है ना उनके घर से फ़ोन आ रहे थे कुछ काम होगा, या वो काफ़ी देर हो गई थी आंटी और को आए हुए, तो इसीलिए अभी वो चली गई हैं। और सुमन आंटी यहीं पर है, सुमन आंटी भी जाके सूट देख आई, खरीद लाई। और अभी मैं चाय बनाने लग गई हूँ, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया था, 4:30 या 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। वो मुकेश आंटी तो चाय पीती नहीं, तो उनके लिए तो मैंने सेक बना दिया था, चाय तो मैं अभी बनाने लगी हूँ। तो चाय बन गई है, आ जाओ आप सब भी हमारे साथ चाय पी लो भाई, साथ में बिस्किट है, नमकीन है और गर्मा गर्म चाय है। और ये देखो एक छोटा सा झंडा मैंने इधर टांग दिया है, क्योंकि है ना मेरे को ये बाहर पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने उठा के और अपनी इस बोतल में टांग दिया। तो 15 अगस्त वाले दिन तो सब ऐसे फहरा लेते हैं, झंडे लगा लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त जाते ही ऐसे फेंक देते हैं। मैं तो उठा लाई थी, तो फेंकने नहीं चाहिए भाई, अपने घर में कहीं भी लगा लो, है ना, सुंदर लगते हैं ये, तो जहाँ भी लगाओगे वहीं अच्छे लगेंगे। तो मैंने तो अपनी बोतल में टांग दिया और इतना सुंदर लग रहा है ना मेरे को तो, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे कहीं भी टांग लो झंडे, फेंक देना फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, फेंकने तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारे देश की शान है ये। और अभी है ना शाम के 7 बज गए हैं और अभी टेलर भैया आ रहे हैं मम्मी का सूट लेने के लिए। मम्मी एक सूट सिलवा रही है येलो कलर का, क्योंकि अभी एक फंक्शन है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। बस कितने दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही फंक्शन है, उसमें सब येलो कलर के कपड़े पहनेंगे, मैं भी येलो कलर का पहनूँ। मेरे पास तो बहुत सूट रखे हैं, फ्रॉक भी है येलो कलर का, सूट भी है, तो मैंने तो सिलवाया नहीं, पर मम्मी सिलवा रही है येलो कलर का सूट स्पेशल उस फंक्शन में पहनने के लिए। रितु और भी आएंगे, सब इकट्ठे होएंगे, तो फंक्शन वाले दिन भी मजा आएगा। पर ये आपको मैं उसी दिन बताऊंगी कि फंक्शन किस चीज़ का है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी टेलर भैया का कॉल आया कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, निकाल लो जल्दी से सूट। तो मम्मी का सूट सिलना दे रहे हैं हम, और वो सूट फंक्शन वाले दिन ही दिखेगा आपको कि मम्मी कैसा सूट सिलवा रही है, वो फंक्शन में पूरा पहन के दिखाएगी मम्मी। रानी आ गई है, तेरे को देना कुछ टेलर भैया को? नहीं लेना था, लेना था फिर बोल देते, अभी ले आता, कॉल कर ले, अभी क्या पता चला अभी ना हो, मैं तो सुबह और अभी ले आएगा। हाँ अभी 5 मिनट की बोला था उसने, आ गया। हाँ 5 मिनट का तो बोला था, 10 मिनट बाद चलेगा, क्या पता, पूछ ले एक बार फोन करके। और अभी हम टेलर भैया का ही वेट कर रहे थे, और देखा तो बाहर आके पुनीता भी बाहर ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा टेलर भैया ने ही कॉल कर दिया होगा पुनीता को भी, तेरे भी जो सूट है वो ले या सिलने के लिए जो देने हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था, पुनीता तो अपने पार्सल का वेट कर रही थी, तो जो आ गया है अभी ले लिया है पुनीता ने पार्सल। और अभी पुनीता भी मेरे ख्याल से फंक्शन की तैयारी कर रही है, तो उसी के लिए पार्सल मंगाए होंगे, ये तो पता नहीं इनमें है क्या, पर मेरे को लग रहा है कि फंक्शन की पूरी तैयारी में जुटी हुई है पुनीता। कितने कुत्ते आ रहे हैं, दो हुए खड़े, तीन हुए, इतने कुत्ते कैसे आ गए अपनी गली में, कैसे आंख चमके इनकी, पहले तो इतने ना होया करते, एक ही कुत्ता होया करता। हाँ वो गए तुम्हारे घर, अंधेरा हो लिया भाई, उधर बैठे हैं, तीन उधर हैं। तो दे दिया है मम्मी ने तो सूट सिलना, गुब्बारा तो बाजू बनवा रही है, और नीचे अफगानी पैंट बनवा रही है, तो बोलिए ये अच्छी लगती हैं अफगानी पैंट। और गुब्बारा बाजू तो मेरी दो चीज़ों की बनवा रखी है मैंने, एक फिरों की और एक सूट की, और गेंजा की, तो और गेंजा की तो मस्त लगती है, खड़ी खड़ी रहती है ना। अभी कॉटन की मम्मी बनवा रही है, तो देखते हैं कॉटन की कैसी लगेगी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है गुब्बारा बाजू, मैं भी गुब्बारा बनवाऊंगी आगे, कभी सूट सिलवाऊंगी उसकी भी। और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में डिनर बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो हमारा तो है ना लेडीज़ का पूरा ही दिन किचन में चला जाता, उठते ही लगती हैं और सो ही जाती हैं, तो किचन से पीछा नहीं छुड़ता पूरा दिन में। तो अभी बस खाना बना रही हूँ मैं, डिनर बना रही हूँ। तो आज डिनर में बन रही है भिंडी की सब्जी, जो मैं दोपहर में ही खरीद लाई थी, और दोपहर में ही लाते ही मैंने धो के रख दी थी ताकि शाम तक सूख जाए, छलनी पे सुखा दी थी। तो अभी बस फटाफट खाना बना देती हूँ। और मम्मी लगी हुई है अपनी कमर सेकने में, मम्मी की कमर में दर्द हो रखा आज, तो जो वो इलेक्ट्रिक वाली थैली होती है ना, तो उससे सेक रही है, पता नहीं आज दर्द कैसे हो गया। वैसे तो कोई वजन का काम भी नहीं किया आज, कोई झुकने वाला काम भी नहीं किया, पर मम्मी कह रही थी आज मेरी कमर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रखा है, तो इसीलिए 2-3 बार सेक लेगी ना उससे थैली से, तो आराम लग जाएगा। और सब्जी मैंने बना दी, आटा भी गूंद के रख दिया है, और अभी सुमित का ऑर्डर आया कि मेरे लिए चटनी ज़रूर बनाना। और अभी है ना धनिया था नहीं, तो मैं चटनी किसकी बनाऊँ, बोले टमाटर की बना दे, चाहिए बस बना दे,
क्यों ही धनिया दुकान पे मैंने पूछा था, मिला ही नहीं धनिया। आजकल ऐसा बारिश का मौसम चल रहा है तो धनिया कम मिलता है दुकान पे, तो इसीलिए बस मैं ये टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक इन्हीं को पीस के चटनी बना रही हूँ। ये भी अच्छी लगती है चटनी, सुमित को तो बस चटनी मिल जाए किसी भी चीज़ की हो, तो चटनी भी बना दी है मैंने। और खाना बन गया है, भिंडी की सब्जी और रोटी। बस अभी नहाने जा रही हूँ मैं, और खाना अभी ना के आके तब खाऊंगी। वैसे किचन साफ करनी पड़ी है, बर्तन साफ करने पड़े हैं, ये काम भी मैं खाना खा के तब भी करूंगी, मैं पहले ना आती हूँ। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।